हाय गाइस, वेलकम टू नेचुरल बॉडी फिटनेस। और मेरा नाम है सद्दाम और मेरा आज का टॉपिक है चेस्ट एंड बैक अल्टरनेट वर्कआउट। आपको कैसा करना है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये वर्कआउट आपको किस लिए करना है। तो मैं ये वर्कआउट इसलिए करता हूँ, जब मेरा कंपटीशन आता है, सोचिए मुझे 15 दिन पहले कंपटीशन के लिए पता चला कि यहाँ पे फलना जगह में कंपटीशन है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दिन कम रहता है रेडी होने के लिए, 15-20 दिन रहता है, तब मैं इस तरह का वर्कआउट करता हूँ, अल्टरनेट वर्कआउट करता हूँ, 50 को ऊपर रेप्स लगाता हूँ। इससे मेरा ये फ़ायदा होता है, मेरा मसल्स मस्कुलर दिखता है, क्वालिटी अच्छा दिखता है, जब मैं पेंट करता हूँ दूर से मसल्स क्वालिटी अच्छा दिखता है, क्योंकि इतना जल्दी मुझे अल्टरनेट वर्कआउट अगर मैं ना करूँ तो मैं रेडी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं ये वर्कआउट करता हूँ। और अगर ये वर्कआउट आप लोग कर रहे हैं कोई वेट गेन के लिए, तो ये वर्कआउट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको 10, 8, 12, 10, 8 इस तरह का रेप्स लगाना पड़ेगा, 10, 8, 6 भी लगा सकते हो, जितना वजन ज़्यादा हो सके उतना उठाना चाहिए, मतलब जितना आप उठा सकते हो ज़्यादा उठा के, हड्डी वड्डी तोड़ना नहीं, जितना आप उठा सकते हो उतना उठा के आप करना है, पर कम नहीं करना, जितना आप इंक्रीज कर सकते हो एक एक सेट पे आपको कम ज़्यादा करते रहना आपको वजन, तब भी आपका मसल्स क्वालिटी बढ़ते रहेगा, मसल्स ज़्यादा दिखने लगेगा। और जो लोग पहले से ही बॉडी में फैट है, अच्छा है, मोटे हैं, तगड़े हैं, पर कट ही नहीं आ रहे, वो लोग ये सब वर्कआउट के लिए 50 से 60-70 रेप्स लगाए एक एक सेट में लाइट वेट में। सोचिए अभी चेस्ट फ्लाई कर रहा हूँ मैं, तो चेस्ट फ्लाई के लिए 2.5 kg लगा के 70-75 काउंट्स करना है, उसमें आपको 3 सेट करना है। तो इस तरह से आप वर्कआउट अगर अल्टरनेट करोगे तो आपको बहुत जल्दी कटिंग आ जाएगा। पर अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।